तो आपको बता दें कि क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखो पहला टॉपिक आपका रहेगा जिसका नाम होगा विलयता। क्या नाम होता है? विलयता। माने पहला टॉपिक यही आज की रहेगी विलयता। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम होगा विलीनीकरण या समान समान घोलता। समान समान घोलता तो नहीं हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। आज तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा विलीनीकरण। विलीनीकरण इतना टॉपिक चार। तीन नंबर, चार नंबर जो टॉपिक रहेगा उसका नाम होगा क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण पांच नंबर जो आज का टॉपिक रहेगा। अच्छा चलो यहीं पर हम बता देते हैं संतृप्त विलयन। छः नंबर होगा असंतृप्त विलयन। ये तो बहुत आसान था, आपको याद भी होगा सब ये चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अति अति का परसारी विलयन, अति अच्छा अति संतृप्त विलयन। और कुछ है विलयन में? कितनी नहीं लिखाया गया है? चलिए उसके बाद से ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव और नौ नंबर जो आपका होगा दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। अच्छा ये जितने टॉपिक आप देखेंगे इस टॉपिक का प्रमुख बात जो रहेगा, जितने देख रहे हैं आप, इसका प्रमुख जो उद्देश्य है ठोसों का द्रव में विलयता। ठोसों का द्रव में विलयता माने जितना टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, यानी समझो कि आज के जो जितने टॉपिक हैं उसमें बस एक ही बात आपको जानना है, पानी प्लस चीनी, चीनी या नमक, बस इतना ही जानना है आपको। क्या जानना है? और पानी जो होगा उसका नाम होगा विलायक, विलायक। और चीनी जो होगा इसका नाम होगा विलय। बात समझ गए? माने पूरा इसी पर टॉपिक आपका डिपेंड है। इतना माने ठोस को द्रव में विलयता, माने जो ठोस होगा उसको द्रव में घोलेंगे। पूरा टॉपिक आपके जो कितने कवर है, नाइन नंबर का। क्या आप विलयता के बारे में जानते हैं? बता सकते हैं? बताओ विलयता। चलिए छोड़िए, राजकुमार तुम बताओ, ऊपर सिर करो। हाँ बताओ विलयता किसे कहते हैं? विलयन में कोई पदार्थ जितना घुल जाता है, हाँ उसको विलयता कहा जाता है। माने जितना अधिक घुलेगा उसकी विलयता उतना ही अधिक रहेगी, कम घुलेगा उसकी विलयता कहाँ रहेगी? कम रहेगी। तो आपने क्या कहा कि किसी भी विलयन में, और विलयन का मतलब उसमें पानी तो होना चाहिए, माने जल होना चाहिए, द्रव होना चाहिए, क्योंकि आपका टॉपिक ही कहा है ठोस का द्रव में विलयता। तो जल होना चाहिए या दूध ले लो, माने द्रव ही होना चाहिए, उसमें बाकी द्रव में ठोस से आपको डालना है और कुछ नहीं डालना। तो कहेंगे ना कि जब किसी विलयन में या जल में जो भी कहिए कोई पदार्थ की मात्रा जितना घुलता है उसी को विलयता डाल दीजिए। मान लो पानी है, पानी में आपने चीनी को डाल दिया, चीनी को डाल दिए और डालने के बाद घुलना चालू हो गया, गर्म करिए उसको और जल्दी घुल जाएगा। तो जितना घुलता है उसी को क्या कहते हैं? विलयता। अधिक घुलेगा तो उसकी विलयता क्या होगी? अधिक होगी। कम घुलेगा तो उसकी विलयता कम होगी। माने जितना घुलेगा, पानी में चीनी डाली, नमक डाली, जितना वो घुलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलयता। अधिक घुलेगा तो विलयता, अधिक कम घुलेगा तो विलयता कम होगा, ठीक है। ये बात रही विलयता की। विलयता के बाद आपके पास होती है समान समान घोलता, माने समान समान विलयन। तो देखो समान विलयन समान में ही घुलता है। समान का मतलब क्या हुआ? देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो जल होता है, जल इसमें जब हम लोग शराब डालते हैं तो घुल जाता है, तो समझना जल है, पानी है, पानी में शराब आदमी डालता है तो घुल जाता है, जबकि पानी में तेल डालते हैं तो नहीं घुलता है, तेल ऊपर रहता आपका। आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई बताने वाला स्टूडेंट? आखिर हमने पानी में, मान लो पानी में चीनी को डाला तो घुल गया, जबकि पानी में नमक को डाला तो नहीं घुला, यह भी एक हो सकता है। पानी में हमने शराब को डाला तो एक ही में मिल गया, लेकिन पानी में तेल को डाला तो नहीं मिला, क्यों?
इसका एक ही उत्तर है, हाइड्रोजन बंध। कहाँ आप पढ़ाया गया था, आपको बताए थे हम, हाइड्रोजन बंध, जिसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा समझो कि वो घुल जाएगा। शराब में देखो C2H5OH होता है, तो H OH आया है, तो H का मतलब उसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, आपको बताया गया था। हाइड्रोजन बंध कब बनता है, हाइड्रोजन बंध कब, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बंध कब बनता है। सही कह रही लड़की, अरे याद करो, फोन फोन बताया गया था, या फोन जब मैंने हाइड्रोजन फ्लोरीन से ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जब मिलता है तो हाइड्रोजन बंध कर। तो ये जैसे अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि तेल नहीं घुलता है पानी में, क्योंकि तेल में हाइड्रोजन बंध क्या होता है, नहीं पाया जाता, सिंपल सी बात है। जबकि हमने शराब को डाला, चाहे कोई भी चीज़ डाले आप, अगर वो घुल गया तो उसमें हाइड्रोजन बंध क्या होता है, सिंपल सी बात आपकी, आज याद कर लीजिएगा जरूर, बहुत उपयोगी होने वाला है। केमिस्ट्री में बारे में जितना भी पदार्थ आप पढ़ेंगे सब अगर घुलता है, क्यों घुलता है, हाइड्रोजन बंध के कारण घुलता है। अगर कोई कह दे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, याद करो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी इस पाठ में आने वाला है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, और आपके मान लो शराब की क्वथनांक 80 डिग्री है, शराब है और जल है, दोनों एक ही में मिला दिए हैं, तो क्या दोनों का आप अलग अलग कर सकते हैं। शराब है जिसका क्वथनांक 80 डिग्री है और जल है उसका क्वथनांक क्या 100 डिग्री है, दोनों एक ही में मिल गया है, क्या आप उसको अलग कर सकते हैं, किस विधि से अलग करेंगे। गर्म कुमार, संसार में कौन कोई ऐसा पदार्थ बिना गर्म किए हो जाएगा अलग, गर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस विधि का क्या नाम है, सुनो इस विधि का नाम है, हाँ एकदम सही लड़की बोली है, प्रभाजी आसवन विधि, एकदम कुछ बता रही है लड़कियाँ, ये प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं, जब दो द्रव आपस में क्या हो घुले हो तो। अब कैसे अलग होगा हम बताते हैं, जैसे एक का टेम्परेचर 80 है और एक का टेम्परेचर कितना है 100 है, जब आप गर्म करेंगे ना उसको, तो जब टेम्परेचर 80 होगा तो पहले ही एथिल अल्कोहल घुल करके माने वहाँ से बन के ऊपर उड़ जाएगा, आज जल मान लो बीकर के अंदर ही रहेगा, क्योंकि जब 100 डिग्री टेम्परेचर जाएगा तब ना जल बनेगा, वो तो 80 पर उड़ गया शराब ऊपर एथिल अल्कोहल, उसको हटा दीजिए, माने ऊपर एक बीकर रख दीजिए उसमें जाके इकट्ठा हो जाएगा, उसको हटा दीजिए और बीकर में जल है तो अलग हो गया। तो जब दो द्रव आपस में मिले हों तो उसको अलग करने के लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं, अभी आप पढ़ेंगे भी इसी पाठ में, भापाश्वन विधि लिखाया गया होगा, स्थिर क्वाथी भी लिखाया गया होगा, उसके बाद से समान स्थिर क्वाथी चाहे विषमान स्थिर क्वाथी, ये सब आपको आगे मिलेगा इसी पाठ में। चलो तो ये समान समान विलयता जान गए कि समान विलयन में क्या होता है, समान चीज़ घुलता है, उसके बाद आपके पास क्या है विलयनीकरण, तो विलयनीकरण का मतलब क्या होता है ना, किसी पदार्थ को जल में डालते, किसी ठोस का, ये ठोस के बारे में ही हम लोग जिक्र कर रहे हैं, किसी ठोस को पानी में डालते यानी द्रव में डालते ही, और जब वो घुलने लगता है इसी को विलयनीकरण कहते हैं। देखा ना, चीनी को डालते हैं पानी में तो बुझबुझा निकलता है उसमें से, क्यों बुझबुझा निकलता है, क्योंकि जो चीनी होता है ना, चीनी के अंदर पानी प्रवेश करता है, चीनी के अंदर पानी तो काहे बुझबुझा निकलता है, प्रवेश करता है, हाँ सही कह रहा है, उसमें जो भी हवा होगी ऑक्सीजन होगी चाहे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वही क्या होता है बाहर निकलता है, इसलिए बुलबुला निकलता है। अच्छी अच्छी बातें आपकी होती है। चलिए एक होता है क्रिस्टल कारण, कोई बताएगा, हाँ एकदम सही बात है, कोई भी पदार्थ है जाके नीचे क्या हो जाएगा, आप कभी कभी देखिएगा दूध वगैरह अगर पीते होंगे ना तो उसमें चीनी डाल दिया जाता है तो जाके नीचे वह बैठ जाता है, तो आदमी घुलाता है तो घुलता है, तो कोई भी पदार्थ नीचे जब जा करके बैठ जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है किस्ट, किस्ट का मतलब होता है नीचे बैठना, समझ रहे हो, ये भी समझ गए। अच्छा ये संतृप्त विलयन होता है, संतृप्त विलयन का मतलब है कि पानी लो, पहले समझो बात, सब आपका एग्जाम्पल यही है ना, ये मैंने पहले ही कहा, ठोस का द्रव में विलयन, पानी लो आप उसमें चीनी डाल दिए वो क्या हो गया घुल गया, और बाहर से फिर चीनी डालते हैं तब नहीं घुलता, जितना उसकी कैपेसिटी थी घुलने के लिए क्या हो गया घुल गया, तो इसी को कहते हैं संतृप्त विलयन। मैंने ऐसे विलयन जिसमें देखो अब चीनी डालोगे तो चीनी तो विलय होगा, अब पानी आपका क्या होगा विलायक होगा, तो कहेंगे ऐसे विलयन जिसमें बाहर से विलय डालने पर वो घुल गया, फिर अगर दोबारा विलय उसमें डालते हैं तो नहीं घुलता, तो उसको क्या कहते हैं संतृप्त, संतृप्त तृप्त, तृप्त का मतलब होता है तृप्त हो गया, मान उसको जितना चाहिए उतना मिल चुका है, अब उसको बाहर से डालोगे तो नहीं घुले, तो इसको संतृप्त विलयन होता है। और एक होता है क्या लिखा गया असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन भी क्या होता है ना, इसको तृप्त अभी नहीं हुआ अभी इसको चाहिए, पानी है पानी में अपने चीनी डाला घुल गया, फिर चीनी डाले फिर घुल गया, फिर चीनी डाले फिर घुल गया, तो इसको असंतृप्त करते हैं कि माने बार बार विलय को विलयन विलायक में डालने पर क्या होता है घुलता रहता है,
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं असंतृप्त विलयन कर। चीनी है पानी, पानी में आपने चीनी को डाला घुल गया, फिर चीनी को डाले घुल गया, फिर चीनी को डाले घुल गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं असंतृप्त विलयन करते हैं। उसके बाद से होता है अति संतृप्त विलयन, विलयन लिखा गया तीन दिखा। अति संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है कि जब विलय की मात्रा अधिक हो गई, जैसे आप कल प्रश्न भी किए थे परसों कभी कि चीनी अगर 1 किलो है छोटा सा गिलास में पानी है तो कैसे घुलेगा, तो नहीं घुलेगा। तो चीनी डाल रहे तो विलय है, पानी में डालें विलायक है, तो जब विलय की मात्रा अधिक हो, अब विलय की मात्रा क्या हो कम, मान पानी की मात्रा अधिक हो, चीनी की मात्रा अधिक हो, तो ओकरा को अति संतृप्त विलयन, इसी को कहा जाता है अत्याचार। क्या कहा जाता है अत्याचार। अत्याचार के बाद पानी में चीनी को घोलना होता है, चीनी अभी एक बोरा ले लो, पानी एक बाल्टी ले लो तो कैसे घुलेगा, ये भी बात आप कहती है। तो इसको हम लोग कहते हैं अति संतृप्त विलयन। ताप का प्रभाव, फीलिंग करो फीलिंग, आपके पास चीनी है पानी में डाल दिए या दूध में डालिए, दूध तो बहुत पीते होंगे आप लोग, चाहिए भी आप जाएंगे ना, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप जाएंगे कहीं, अभी तो जाना ही है, 6-7-8 महीना बाद आप पेपर दे देंगे, तो आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देंगे कि मेरा बच्चा जो पढ़ लेगा तो नाम रोशन करेगा, परिवार में इसको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, परिवार में मान लो कि ज़्यादा दिक्कतें इसकी नहीं होगी, आराम से रहेगा, अपना अपना परिवार को सुरक्षित रखेगा एकदम। आपके पिताजी को ये चाहिए भी कि अपने बच्चा को पढ़ाए लिखाए, एक अच्छा संस्कार दे, वो जहाँ रहे वहाँ एकदम लोग खुश रहें, परिवेश के लोग खुश रहें, माने किसी प्रकार का कष्ट उसके अंदर ना हो। अब ऐसा ना तो बना दे कि बच्चा तड़प रहा है, कभी कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा कि जब बाहर जाएंगे आप, तो बाहर जाने के बाद शाम के समय में 8-9 बजे राति खान या जो भी टाइम होता है उसमें दूध वाला जरूर आता है, हर एक रूम पर जाता है और दूध देता है, सब बच्चे दूध लेते हैं, दूध माने पीना अति अनिवार्य होता है जितने भी स्टूडेंट होते हैं शाम के समय, समझ लो, क्योंकि आपको याद होता है कि दूध एक संपूर्ण आहार होता है, मतलब सब पोषक तत्व उसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखते हो इतना पर्व त्यौहार है, इतना पर्व त्यौहार है, चाहे किसी भी डॉक्टर के पास जाइए कभी वो दूध खाने के लिए मना नहीं करता है। ठीक है, लेकिन मीट मछली वगैरह सब मना कर सकता है कि आप इसको क्या करिए मत खाइए। अभी सावन आया तो 1 महीना तक माने जो मानने वाले होंगे वो मानेंगे, नहीं मानने वाले उतने ही मानते हैं, लेकिन दूध के लिए कोई माना नहीं होता, हमेशा आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बस समझ रहे हो। तो वो जब जाएंगे ना तो उस समय आपको क्या किया जाता है, दूध दिया जाता है, तो उसी दूध के एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, दूध है, दूध में आप चीनी डाल दिए, चीनी अगर दूध ठंडा है चीनी डाल दिए तो धीरे धीरे गलेगा। देखिए ताप का प्रभाव के बारे में बता रहा हूँ, धीरे धीरे बहुत गलता है, टाइम लगता है, समझ रहे बात को। लेकिन देहात के लोग का वाला होशियार ना वाला, होशियार का मतलब बताए कि अगर एक गिलास मान लीजिए कि एक 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 जग मान लो चाहे आधा लीटर दूध है ना, सबको बच्चा को पिलाना है, तो क्या करते हैं कि पहले ही चीनी उसमें नहीं डाल देंगे, गर्म होगा तो पहले ही उगल जाएगा चीनी, 5 मिनट में उगल जाएगा, तो कमे गर्म करेंगे तो हो जाएगा, तो वो नहीं काम करते हैं, गर्मा लेंगे तब उसमें चीनी डालते हैं, 20 मिनट टाइम लगता है, तब ओकरा बाद सेंगा फेंटा मारते हैं, तब वो क्या करते हैं देते हैं, सब बुद्धिमान की बात होती है। आप भी पढ़े हैं तो देखिएगा, दूध आपको गर्म करना, चीनी तो मिलाना ही है, निश्चित रूप से मिलाना है, नहीं मिलाना है तो ठीक है, अगर मिलाना है तो पहले ही चीनी डाल दीजिए, उसी में गल जाएगा, अच्छा लगेगा, खूब अच्छे तरीके से गल जाता है। तो यहाँ पर लोग पहले डालते हैं तो गलता है 10 मिनट, अब पता चले दूध पी लिए तो चीनी नीचे बैठा ही रह गया, ऐसा होता है, देखते भी होंगे आप। तो अगर उसको खूब अच्छा से गलाना है तो क्या चाहिए, ताप चाहिए, क्या चाहिए, ताप। अब बताओ जब ठोस को हम लोग द्रव में डालते हैं तो ताप बढ़ाने पर वो गलेगा कि घटेगा, क्या कहेंगे, ए यार कहो गलेगा यार, तो वही वैसे समझाओ तो नहीं, माने पानी में चीनी डला जाइए अगर ठंडा बा तो धीरे धीरे गली, आ गर्म कर देंगे ताप बढ़ाएंगे तो क्या होता है जल्दी, इसका मतलब ये हुआ कि ताप बढ़ाने के बाद ठोसों का द्रव में विलयता क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, सागर बात कर रहा है, कोई दिक्कत है तो हमसे पूछो ना, उससे कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो, कहोगे पर्सनल बात है, कौन सी बात है, बोले सुनो सब बच्चे सुन रहे हैं तुम भी सुनो, चलो तो आप कह रहा ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने के तो क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने के बाद ठोस का द्रव में विलयता क्या होता है, बढ़ता है। ये जरूर याद रखना, मैं देखा था कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ठोस का द्रव में विलयता का माने ठोस जो होता है उसको द्रव में डालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है। लिखने अभी लिखावल जाइए यार, पहले समझ लो टॉपिक को, मुझे पूरा अंदाजे बताने की माने ज़रूरत है कि अभी जब मैं ऐसा करूँगा तो अभी अंदाजे बताने की कोशिश करेंगे। छपने वाला कार्यक्रम कहाँ होता है मालूम है, छपने वाला कार्यक्रम वहाँ पर होता है जहाँ बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते, टीचर गए लिखाना शुरू कर दिए, लिखा दिए अभी चले, टीचर के चाहिए माने प्राथमिकता यही होती है, मैंने आपको बता देता है कि मैंने पहले बहुत बड़ा माँ बाप को बताया भी था कि
कि बच्चे हिंदुस्तान के क्यों कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि टीचर्स होते हैं किताब से देख करके पढ़ाते हैं। जब किताब से देख करके पढ़ाएंगे तो बच्चे का ऑटोमेटिक हो जाएगा, जब किताब से देख कर पढ़ते हैं तो हमें किताब से पढ़ेंगे। इसीलिए माने अगर ब्रेन बहुत विकसित है टीचर का तो बिना किताब के पढ़ाएं, बच्चों को पहले समझाएं, आधा घंटे एक घंटा तक स्पीच दें पूरे इस टॉपिक पर, कि बच्चा भी सोचे कि हम भी ऐसे ही खड़े होकर क्या करें बोले, समझ लो होता है ऐसा। चलो तो ताप का क्या होता है प्रभाव, उसके बाद होता है दाब का प्रभाव। तो दाब का होता है ताप बढ़ाएंगे तभी देख रहे थे ठोस में द्रव के विलयता क्या होता है बढ़ रहा था। अब दाब की बात होगी, अब बताओ तुम चीनी है, चीनी को उसमें दबाओगे तो कम गलेगा कि अधिक गलेगा? कम गली बाकी गली है तो बड़ा मीठा के भेले हुए में डाल दो तो धीरे धीरे गली, या दबा के अगर दबाओ तो फूट जाता तो जल्दी जल्दी गलेगा। तो दाब बढ़ाने पर भी क्या होता है तो एक और घटता है, तई में क्या चीनी को दबाओ तो फूट कुछ नहीं हो जाए तो जल्दी गल जाए। अरे कोई बड़ा आकार का कोई वस्तु है तो टाइम लगता है ना, जब उसको दबाओगे तो जल्दी गल। ठीक है बोलो। ठीक है देख लो, जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव में डाला जाता है तो वह उसमें घुल जाता है, घुल जाता है तो इस क्रिया को विलयता कहते हैं। चलो कोई ठोस पदार्थ द्रव में जितना अधिक घुलेगा उसका विलयता उतना ही क्या होता है अधिक होता है। कोई ठोस पदार्थ द्रव में जितना अधिक घुलता है उसका विलयता उतना ही अधिक होता है। चलो तो यही होता है द्रव का किसमें विलयता, ठोस में विलयता। ठीक है जितना अधिक घुलेगा उसका विलयता उतना ही अधिक रहेगा, जितना कम घुलेगा उसका विलयता उतना ही कम रहेगा। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं विलयता को। हो गया लिख लीजिए, विलयता के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं समान समान विलय। जल्दी बोलता है लिख लेना समान समान विलयता, समान समान विलयता। खूब अच्छा से पढ़ो लिखो, समान विलायक में समान विलय ही घुलता है, समान विलय ही घुलता है। अर्थात जल में हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं, तथा जो विलय होता है तथा विलय में भी हाइड्रोजन बंद उपस्थित है, तो वह घुल जाएगा। नोट कर लो इसको, और यदि हाइड्रोजन बंद उपस्थित नहीं हो तो वह नहीं घुलेगा।
निकाह में लिखो, जब किसी ठोस को द्रव में डालने पर जब वह घुलने लगता है, जब वह घुलने लगता है तो उसे विलीनीकरण कहते हैं, तो उसे धारा में लिख लो, चीनी को जल में डालते ही वह घुलने लगता है, वह घुलने लगता है। तो ये आपका था विलीनीकरण, ठीक है। अब आ जाओ विलीन के प्रकार, चलो लिख लो क्रिस्टल करण। मैंने आपके पास बीकर है ना, दिखा दीजिए, जल है, ये जल है, आप इसमें नमक को डाल रहे हैं, ये नमक के कण है, नमक को डालते ही इसमें घुलने लगता है, इसी को मतलब कहते हैं क्रिस्टल करण। लिख लो, जब पढ़ो ना यार, जब किसी ठोस को द्रव में डालने पर, द्रव में डालने पर वह नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है तो इस क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? मान लो यहाँ पर बीकर है, आपने जल लिया, इसके अंदर आपने ये जल बना लिया, इसके अंदर आपने कोई पदार्थ डाला, जा करके नीचे का हो गया, ये विलय है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीकरण। अधिकतर फिटकरी का भी नाम सुने होंगे, फिटकरी को जब पानी में डाला जाता है ना, तो पूरा वह धूल के कण लेकर नीचे बढ़ जाता है और पानी एकदम शुद्ध हो जाता है। पढ़े होंगे कि पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, पढ़े हैं कि नहीं, सुने होंगे। तो कैसे शुद्ध किया जाता है? जब फिटकरी डाला जाता है तो मैं जितना धूल के कण वगैरह जाता है सब नीचे लेकर बढ़ जाता है, फिर आप पी लीजिए। जब नीचे जाकर बैठ गया ना, जो भी विलय होगा उसको डालोगे कुछ भूलेगा तो जाकर नीचे का होता है, बैठ जाता है, इसलिए क्रिस्टल करण हो गया, मिटाया जाए इसको। क्रिस्टल करण के बाद बाबू आपके पास जो एक नया हेडिंग आता है उसका नाम आता है विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। पहला जो होगा उसका नाम होता है संतृप्त विलयन। क्या नाम होता है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, उसका सूत्र लिख दीजिए। इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम, फिटकरी के बता रहे हैं, एल्युमिनियम सल्फेट।
आज का सूत्र तो होता है बहुत आसान है, K2SO4 Al2SO4 अट्ठाईस 24H2। वैसे लो इसका नाम देखो भाई, K2SO4 है ना, तो के का मतलब पोटेशियम भाई। डबल सल्फेट होता तो एक साथ नहीं पड़ते, खाली पोटेशियम, तब एल्युमिनियम, तब सल्फेट। जल के लिए कुछ नहीं, ठीक है, हो गया। मैं नीचे वाला लिख लिया ना, लोग ये सूत्र पूछा ला, जो कि बहुत ईजी है, आप चाहें तो एक सेकेंड में बता सकते हैं, एक सेकेंड में खूब एकदम मिटा दें इसको। तो देखो अच्छा पढ़ के लिख रही है, लग रहा है कि तो एक्सपोर्ट आदमी बोला ना, अभी कंप्यूटर चलाने के लिए आपको जाना है। सुनिए, कंप्यूटर चलाने वाले यंत्र में जा रहे हैं, अब गोरखपुर में है तो आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगा। तो नहीं एक्सपोर्ट हैंगा रहेंगे तो छाट लो देंगे, उन्हें कहना चाहोगे आप धीरे धीरे लिखोगे ना, कहीं हटाओ इसको, दूसरे को एक भर्ती करो। हाँ कहीं हम ही तो अकेले नहीं, धीरे धीरे लिखे सब लिख रहे हैं, तो सब नौकरी नहीं ना करेंगे, तुमको करना है। सब कंप्यूटर चलाएंगे तो जाएगा नहीं। चलिए पहले इसका फिगर बना देते हैं हम, देखते हैं ये फिगर आपके पास है। ए बाबू बात खत्म, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे। हमारे पास क्या है ना, एक जल है, बीकर है, जल है, और आप क्या किए कि इसमें कुछ ना कुछ मिलाएंगे, खाली जल रहने से क्या फ़ायदा है, मिला दीजिए नमक इसमें, चीनी मिलाएं, मीठा का सूत्र का क्या बताएगा, चलिए जो चीनी का होता है वो मीठा का होता है, ठीक है ना, C12H22A। चलिए ठीक है, नहीं बताया ठीक है, लेकिन बकलोल रहो। चलिए चीनी मिला दिए तो कहा हो गया कि पूरा चीनी इसमें घुल गया, पूरा चीनी इसमें कहा हो गया घुल गया। चलो पूरा इसमें घुल गया नमक, तो मान लो कि चीनी घुल गया जल है, अब बाहर से इसमें कुछ मिला रहे हैं, आप क्या मिला रहे हैं, कुछ भी मिला रहे हैं, तब इसमें नहीं घुल रहा है, नहीं घुलेगा, क्योंकि पूरा देखो इसमें घुल गया है। अब इसको बाहर से मिलाएंगे तो क्या होगा, नहीं घुलेगा, तो नहीं घुलेगा तो कौन बिलियन, संतृप्त बिलियन। कभी ऐसा पढ़े थे तुम, हर एक परिभाषा में मैं चित्र बना के दिखा रहा हूँ। वैसे जब तुम्हारा टेस्ट होगा तो जितना टेस्ट होगा हर एक परिभाषा में तुम्हारा चित्र होना चाहिए। देखो जब किसी विलायक में मिलाने पर वह घुल जाता है पुनः बाहर से और विलय मिलाने पर विलय में बिलियन की बात है, क्या हुआ, विलय मिलाने पर ध्यान से समझ के लिखो, वह नहीं भूलता है तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, माने तृप्त हो गया, तृप्त का मतलब आप इसके अंदर अब मिलाएंगे तो ना घुलेगा, मिल तो जाएगा लेकिन घुलेगा, घुल जाता है पुनः का पुनः बाहर से लिख देना, बाहर से और विलय मिलाने पर वह नहीं घुलता, माने इसमें मिला दिएगा घुल गया लेकिन फिर मिलाने तो नहीं घुल, संतृप्त विलयन से। जल्दी से हो गया, अरे कंप्यूटर खान लिखो यार, असंतृप्त बिलय मिटा दे इसको। जल्दी लिखो ना, इसको
है क्या कहा जाता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचु है ना, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जा करके मोबाइल से देख करके लिखना, हो गया मिटा दे इसको। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है, खाली यहाँ जोड़ लो। असंतृप्त विलयन में, असंतृप्त में जब किसी विलय को विलायक में मिलाने पर घुल जाता है, पुनः बाहर से विलय मिलाने पर वह पुनः घुल जाता है, कहता है पुनः घुल जाता है, अर्थात अर्थात वह विलय को बार बार मिलाने पर घोल लेता है, तो इसे असंतृप्त विलयन का। हो गया, इसका तो अच्छी तरह चेंजिंग करना पड़ेगा। मैंने बाहर से मिलाएंगे ना तो हमेशा वो घुलता रहता है उसके अंदर। मान लो जल है, जल है, जल है, जल है, जल है, इसके अंदर चीनी आप घोले डाले तो चीनी बस नीचे घुला, फिर बाहर से डाले फिर घुल गया, फिर डाले फिर घुल गया, किसी को हम लोग कहते हैं असंतृप्त। तो ऐसे विलयन जिसके में बाहर सब मिला रहे हैं घुल जा रहा है, फिर मिला रहे हैं घुल जा रहा है, फिर मिला जा रहे हैं घुल जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं पराग। बहुत आसान चीज़ आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में आज, इतना आसान होता नहीं है लेकिन आसान है बहुत, बस एक बार समझना है सब लिखा जाए जल्दी से। अति संतृप्त विलयन पर चले हम लोग, हो गया लिख लीजिए। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, देखो ऐसे विलयन ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से अधिक हो, विलायक से अधिक हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। ये सब छोटा छोटा हेरिंग है, बच्चा सब याद कर लेते हैं, बना लो इसमें। ये जल है, ये जल है, ऊपर से मिला रहे हैं चीनी, आई देखिए चीनी, चीनी की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा आपको, तभी तो अति संतृप्त विलयन बढ़ेगा ही। विलय अधिक होगा, अधिक हो भी गया देख रहे हैं चीनी, चीनी अधिक, जल कम, हो जाएगा अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन का चित्र राज। विलयक अधिक, विलायक कम, अति संतृप्त विलय। आवाज आओ क्या था अति संतृप्त के बाद? ताप का प्रभाव है ना,
अब जानते हो क्या लिखना कि विलयन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। पहला इसमें लिखना ताप का प्रभाव। अच्छा, अब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि बहुत ही सिंपल चीज़ है केमिस्ट्री, पहले बहुत हार्ड लगता था, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो यही हाल होती है, बहुत आसान हो जाता है सब चीज़। समझ रहे हो? तो आपका प्रभाव लिखो, जब ताप को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं तो विलेय का, विलेय जो होगा ठोस होना चाहिए, विलायक का जो ठोस होगा, विलायक में जल होगा, विलायक में घुलनशीलता बढ़ जाता है, अर्थात ताप बढ़ाने के बाद विलेय का घुलनशीलता बढ़ता है। चलिए, सिंपल बात था। अगर मान लीजिए कि तनिक चित्र दिखा दीजिएगा, बन जाएगा चित्र, यहाँ पर बना देते हैं, छोटा सा एक चित्र है यहाँ पर, चल है, ये ठंडा है, तो चल आपके आके जो चीनी है आके नीचे बैठा है, कम घुलनशील है, एक और बीकर बना दीजिए, इसमें जल दिखा दीजिए, जल दिखा दीजिए, इसको गर्म करिए, तो पूरा चीनी इसके अंदर कहाँ हो जाएगा, हाँ भूल जाएगा नहीं, चीनी इस तरीके से बता सकते। तत्ताप का प्रभाव था आज का अंतिम हेडिंग, इसी के साथ आज का केमिस्ट्री का टर्न जो होगा, टर्न वो ख़त्म हो जाएगा। टर्न माने बताओ सोचकर, दाब का प्रभाव, देख लो दाब बढ़ाने पर दाब बढ़ाने पर ठोस का चीनी लिख लो, चाहे नमक लिखो, ठोस का द्रव में विलयता बढ़ जाता है। ओके okay।